शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनके स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्यों आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वही शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वो शरीर पर भस्म रमाते हैं। शास्त्रों में भोलेनाथ के पास खास रहस्यों के बारे में भी बताया गया है, जो शायद ही उनके भक्त जानते होंगे। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, उनके बारे में शास्त्र के पास रहस्य बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला, भस्म लगाने का रहस्य। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया मोह माया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में तुब्बती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, तांडव नृत्यों का रहस्य। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिसर प्रलयकारी रुद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर तो लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रुद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कह जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और उनके रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। तीसरा, गले में लिपटे सर्प का रहस्य। भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। चौथवा, मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराज दक्ष ने चंद्रमा को साय रक्त से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का श्राप ही माना जाता है। पांचवा, तीसरी आंख का रहस्य। एक बार हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देख ही नहीं गई। उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।